सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज कंपोज्ड बाय ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम्स आती है। पहली सिस्टम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दो फ्लूइड्स है बॉडी में, दो ब्लड एंड लिम्फ, ये जो दो फ्लूइड्स है, ये दो फ्लूइड्स बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। कौन से? ब्लड एंड लिम्फ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम्स आती है, पहली है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरी है लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बाद में, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आता है ब्लड, ब्लड वेसल्स, एंड हार्ट। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ब्लड, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, एंड इसी में हम पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर एंड हार्ट का फंक्शन। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? ब्लड आता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के तीन फंक्शंस है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस है, नंबर वन, पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फंक्शन है होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस मीन्स बैलेंस इन द बॉडी। नंबर थ्री, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन है प्रोटेक्शन, वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के ये तीन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनादर पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये पूरे बॉडी में ये सब सर्कुलेट होते हैं। जहाँ इनका प्रोडक्शन है, वहाँ से इनको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड से ये सब न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पहला जो फंक्शन हो गया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड फंक्शन ये होता है, ये है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब वो वाला बैलेंसिंग नहीं, जैसे हम गिर ना सके, वो बैलेंसिंग नहीं। वो बैलेंसिंग तो सेरेबेलम के पास होता है।
होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। जैसे ब्लड का पीएच है वो 7.4 ही होना चाहिए, ब्लड की क्वांटिटी है 6-8 लीटर ही होना चाहिए। हर चीज़ अपने बॉडी में पीएच है, वाटर का वाटर कंटेंट है अपने बॉडी के, उसके बाद आयंस है, पूरा अपने बॉडी में बैलेंस कंट्रोल करना है, फिर बैलेंसिंग मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। एंड दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो WBCs है, WBCs में न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, इसके बाद लिम्फोसाइट्स, ये ब्लड सेल्स है। ये हम पढ़ेंगे ना बाद में, जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम इसको प्रोटेक्शन को शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सेल्स होती है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये होती है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। पांच प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें से ये जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये जो दो सेल्स है, ये फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स मतलब ये जो सेल्स है, ये सेल्स फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करती है, फॉरेन पार्टिकल को खाती है। जैसे ही बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है ब्लड में, उस वायरस को, बैक्टीरिया को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों क्या करेंगी, खाएंगी। उसे ही बोलते फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते उसे, फैगोसाइटोसिस मतलब अपने बॉडी का न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स क्या कर रहे, प्रोटेक्शन कर रहे अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। जैसे वो ब्लड में आए उनको क्या करें, करते हैं, खा लेते हैं, फैगोसाइटिक। इसलिए इन्हें बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल, क्योंकि ये जो सेल है, जैसे ये समझ लो ये न्यूट्रोफिल है, अमीबॉइड होते हैं ये WBCs, एंड ये ऐसे बनाती हूँ मैं, ये बड़ी ही वाली ऐसी न्यूट्रोफिल है, ये इसका ये न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल का, है ना, ऐसा होता है न्यूक्लियस थोड़ा। ये है फॉरेन पार्टिकल, ये कोई बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया हुआ, बाहर एटमॉस्फेयर से आया हुआ, वाटर से आ सकता, फूड से आ सकता है, समझ में आया ना, वाटर, फूड, हम पानी पीते हैं उस पानी में हो सकता है, फूड में हो सकता है, हम जो एयर इनहेल्ड करते हैं ब्रीदिंग के लिए उसमें हो सकता है, किसी भी रूट से ये हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। जब ये ब्लड में एंटर होगा तो ये जो मोनोसाइट है या फिर न्यूट्रोफिल है, ये क्या करेंगे बेटा, इसको एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ कर लेंगे मतलब इसको निगल लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये मोनोसाइट ने बैक्टीरिया को एनगल्फ किया, निगल लिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसमें फैगो, फैजिन का मतलब होता है खाना, निगल लेना। तो फैगोसाइटिक सेल्स हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। ये फैगोसाइटिक सेल्स होती किसमें है, ब्लड में, और ब्लड किसका हिस्सा है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। तो ये जो फंक्शन है प्रोटेक्शन, ये किसका फंक्शन हुआ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के। एंटीबॉडीज बनते हैं प्रोटीन से, ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है, उस ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में होता है, उस ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडीज बनती है।
इसलिए एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, समझ में आया ना। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम में ये जो इम्यूनिटी बनाने वाला प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज़। तो जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन है जिसका शेप है ये ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होता है ये वाई शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, एंटीबॉडीज़ भी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती है। एंटीबॉडीज़ फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी में एंटर होता है उनके पास एंटीजेंस होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, एंटीजेंस। ये एंटीजेंस है, समझ लो ये बैक्टीरिया है। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इस बैक्टीरिया के पास क्या है, इस बैक्टीरिया के पास है एंटीजन। ये जो एंटीजन है ये कैसे टॉक्सिक है, कैसे है टॉक्सिक है। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो इस एंटीजन से हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगा। जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा इसके एंटीजन भी क्या होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे समझ लो एक बैक्टीरिया है, इसके पास अभी 5 एंटीजन है। दो बैक्टीरिया होंगे तो कितने एंटीजन होंगे, 10। जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे एंटीजन भी बढ़ते जाएंगे, तो बॉडी को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इससे हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे एंड हमें डिसीज़ होगा, बराबर है बेटा। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है जो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, इस एंटीजन को निष्प्रभ करना, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना। एंटीजन को निष्प्रभ करना मतलब इनको प्रभावहीन बनाना, इनकी टॉक्सिसिटी क्या करना, निग्लिजिबल बनाना, समझ में आया ना। तो इस तरह से एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीबॉडीज़ क्या करते, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते। जब एंटीजन डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो पैथोजेन है, ये जो फॉरेन पार्टिकल है, जो बैक्टीरिया है, ये अपने आप क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, कुछ नहीं कर सकेगा ये। तो देखिए प्रोटेक्शन, समझ में आया आपके, किस तरह से ये हमारी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन है, प्रोटेक्शन। ब्लड में ये सेल्स ब्लड में होते हैं, WBCs है, ये वाइट ब्लड सेल्स है। ये दो सेल्स क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल एंटर हुए कि उनको खाते हैं, ये खाता नहीं है फॉरेन पार्टिकल को, लिम्फोसाइट्स। तो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज से उनके फॉरेन पार्टिकल्स के एंटीजन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ले लिया, अब हम स्टडी करेंगे ब्लड।